बिहार की राजधानी पटना में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पुलिस प्रशासन भले ही सख्ती का दावा करे, लेकिन बेखौफ अपराधी वारदात को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। बुधवार सुबह अपराधियों ने एक और शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। इस बार अपराधियों के निशाने पर आए हैं एक वकील के मुंशी। 60 साल के पालेश्वर पाठक को अपराधियों ने दो गोली दागी, एक कमर में लगी तो दूसरी जांघ में। बहुत ज्यादा खून बह जाने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं अपराधी इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद पिस्टल लहराते हुए मौके से फरार हो गए। हत्या की ये घटना पटना के ग्रामीण इलाके जानीपुर की है। दरअसल जब पालेश्वर पाठक दानपुर कोर्ट जा रहे थे, वह एक वकील के प्राइवेट मुंशी के रूप में काम करते थे। हर दिन की तरह वह नारायणपुर स्थित अपने घर से तैयार होकर कोर्ट के लिए निकले थे। घर से कुछ ही दूरी पर जाने के बाद ही पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने उन्हें अपना शिकार बना लिया और गोली मारकर फरार हो गए। इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में दहशत है। आपको बता दें, वारदात की जानकारी मिलने के बाद जानीपुर और नौबतापुर थाने की टीम मौके पर पहुंची। बाद में फुलवारी शरीफ के एसएसपी मनीष कुमार भी पहुंचे। पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। फिलहाल शुरुआती जांच में वारदात के पीछे की वजह जमीनी विवाद बताया जा रहा है। परिवार वालों के बयान पर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। न्यूज़ डेस्क।